मेरे देश के नौजवानों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं ऑल न्यू 2019 हीरो पैशन प्रो का। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के रोजाना ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूं। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग को ये डाउट था कि भाई हीरो पैशन प्रो में IBS सिस्टम आएगा कि नहीं, मतलब इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम अवेलेबल होगा कि नहीं। तो दोस्तों, फाइनली हीरो कंपनी ने अपनी हीरो पैशन प्रो में IBS टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व कर दिया है, और ये धीरे धीरे IBS वाले मॉडल को आपके नियरबाय शोरूम्स पर अवेलेबल करा देंगे। और दोस्तों, जब भी आप IBS वाले मॉडल को बाय करोगे तो उसकी टेस्ट ड्राइव लेना ना भूलें, क्योंकि इसके IBS वाले मैकेनिज्म को समझने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए बेटर यही होगा कि आप उसकी टेस्ट ड्राइव ले लें और उसको अच्छे से समझ लें। दूसरे बदलाव के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको न्यू कलर और न्यू एज ग्राफिक्स मिलता है। न्यू कलर में आपको एक ग्लॉसी और शाइनी सा पेंट जॉब मिल जाता है, जो सनलाइट में आपकी बाइक को बहुत ही अट्रैक्टिव लुक देता है। और ग्राफिक्स आपको इसी कंप्लीट बॉडी पर मिलेगा, जो अगेन बाइक को एक स्पोर्टी लुक देने में हेल्प कराता है। फ्रंट लुक्स के बारे में बात किया जाए तो फ्रंट में आपको छोटा सा ब्लैक कलर का विंडशील्ड मिल जाता है, एयर को पास करने के लिए, कंफर्टेबल राइड करने के लिए। और इसी विंडशील्ड पर आपको हीरो का ब्रांडिंग मिलता है, और कॉर्नर्स पर आपको ग्राफिक्स का स्टिकरिंग मिलता है, जो बाइक को एक स्टाइलिश लुक देने में हेल्प कराता है। हेडलैम्प के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको कन्वेंशनल हेडलैम्प मिलता है, और इसमें आपको 35 वाट का हेलोजन बल्ब मिलता है। इंडिकेटर्स के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको कन्वेंशनल इंडिकेटर्स मिलते हैं। और दोस्तों, इसके इंडिकेटर्स की डिज़ाइन में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट किया गया है, इसको थोड़ा स्टाइलिश और मस्कुलर लुक दे दिया गया है। और दोस्तों, एक डिसअपॉइंटमेंट मेरे को इसमें लगा है, क्योंकि इसमें आपको अभी तक फिक्स्ड इंडिकेटर्स मिलते हैं, जबकि और दूसरे ब्रांड्स की 100cc और 110cc की बाइक्स में फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स कंपलसरी हो चुका है, लेकिन इसमें आपको अभी तक फिक्स्ड इंडिकेटर्स मिलते हैं। तो ये एक डिसअपॉइंटमेंट मेरे को इसमें लगा है। रियल लुक्स के बारे में बात किया जाए तो जो सबसे बड़ा बदलाव इसके पीछे के लुक में किया गया है, वो इसके टेल लाइट में किया गया है। उसको थोड़ा शार्प एज और कर्व्ड डिज़ाइन में लुक दे दिया गया है, और इसकी वजह से जो टेल लाइट की विजिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। और बाकी इसमें आपको सेम बल्ब टेल लाइट मिलती है, और इसमें आपको जो इंडिकेटर्स मिलते हैं वो बल्ब इंडिकेटर्स मिलते हैं। और दोस्तों, इसमें आपको i3s टेक्नोलॉजी का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। इसके इंजन के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको 97.2cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक एयर कूल्ड कार्बोरेटर OHC विथ i3s टेक्नोलॉजी का इंजन मिलता है, जिसमें आपको 8.36 PS एट 8000 RPM की पावर और 8.05 न्यूटन मीटर एट 5000 RPM का टॉर्क। फ्रंट टायर और सस्पेंशन के बारे में बात किया जाए तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, और जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ मडगार्ड पर आपको IBS की ब्रांडिंग मिल रही होगी, मतलब इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम, जो हीरो ने अपनी तरफ से कुछ नया निकाला है। फ्रंट टायर के साइज़ के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको 18 इंचेस का व्हील्स मिलता है विथ ट्यूबलेस टायर, तो ये एक अच्छी बात है। इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है, और इसमें आपको 130 mm के ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। रियर टायर और सस्पेंशन के बारे में बात किया जाए तो रियर में आपको स्विंग आर्म विथ 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन मिलता है, और इसमें भी आपको 130 mm के ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं विथ ट्यूबलेस टायर, और इसमें आपको जो व्हील साइज मिलता है वो आपको 18 इंचेस का मिलता है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको पार्ट एनालॉग और पार्ट डिजिटल का इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है, जिसमें एनालॉग मीटर में आपका टोटल स्पीड बता दिया जाता है, और डिजिटल मीटर में आपका टोटल किलोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल मीटर, ये सब बता दिया जाता है। और सारे बेसिक से सिंबल्स आपको इसमें मिल जाते हैं, लेफ्ट राइट इंडिकेटर सिंबल, पास सिंबल, साइड स्टैंड इंडिकेटर, लेफ्ट राइट इंडिकेटर सिंबल, और इसमें आपको i3s इंडिकेटर भी मिल जाता है। स्विचेस की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात किया जाए, स्विचेस की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जो मटेरियल इसमें यूज़ किए काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। हॉर्न स्विच, पास स्विच, लेफ्ट इंडिकेटर स्विच, जो सारे बेसिक स्विच आपको हर बाइक में मिलते हैं वो इसमें दिया गया है। जो हैंडल की ग्रिपिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है। और दोस्तों, इसमें आपको सेल्फ और किक स्टार्ट का दोनों का ही ऑप्शन मिल जाता है, और इसमें आपको i3s इंडिकेटर जो स्विचेस आती हैं ऑन और ऑफ की, वो भी आपको इसमें मिल जाती है। सीट के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको बहुत ही कंफर्टेबल और लंबी सीट मिलती है, जिससे अगर आप दो लोग बैठ के भी राइड कर रहे हो तो बहुत ही कंफर्टेबल राइड कर पाओगे। और दोस्तों, जो सीट की कुशनिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है, जिससे जो राइडर है वो काफ़ी कंफर्टेबल राइड कर पाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए हमारी वीडियो में इस बाइक के लिए इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक कर दो, उसको शेयर कर दो, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोग के रोज़ाना ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहता हूँ। अभी के लिए थैंक्स।